पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये देखो, ये लेकिन ये तो गिलहरी है और आपने तो हथियार कहा था। यही है वो हथियार मालेराव। मिट्टी की गिलहरी और हाँ हथियार। हाँ मालेराव, तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करती थी, रामायण की कहानी, याद है ना? जब प्रभु श्री राम जी लंका जाने के लिए सागर में सेतु बांध रहे थे, तब हनुमान जी और पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं लाकर पानी में डाल रहे थे। तब एक छोटी सी गिलहरी समुंदर से रेत लेकर उन पत्थरों पर छिड़क रही थी। जब वानर सेना ने उस गिलहरी को ये करते देखा तो उन्होंने उस गिलहरी का बहुत मजाक उड़ाया और गिलहरी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। तब प्रभु श्री राम जी ने उस गिलहरी को गोद में उठाया और कहा कि इस गिलहरी का कार्य और कारनामा दोनों का भी मजाक मत उड़ाओ, मत उपहास करो इसका। तब एक वानर ने सवाल पूछा कि इतनी सी रेत से सेतु को क्या फायदा होगा प्रभु? तब प्रभु श्री राम जी का जवाब ये था कि ये वो रेत है जो इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ कर रखेगी। सेतु के बड़े बड़े पत्थर प्रतीक है शौर्य का, साहस का, पराक्रम का, लेकिन वो रेत प्रतीक है धीरज का, सबूरी का। मंजिल को पाना है तो शौर्य के साथ धीरज होना भी बहुत जरूरी होता है मालेराव, और अगर धैर्य नहीं है तो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाओगे तुम। मालेराव, धैर्य वो हथियार है जो तलवार की ताकत और बढ़ाता है, उसमें समुचित धार देता है, समझे तुम? ये लो। वैसे कल सुबह युद्ध की रणनीति पर चर्चा करेंगे हम सब। इस बार नेतृत्व तुम्हारे हाथों में है मालेराव, मगर ध्यान रहे, तुम्हें अपने बाजुओं को खुला छोड़ना है, लेकिन अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को तुम्हें काबू में रखना है। इसलिए तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारा मन जज्बातों में बहकने लगे तो इस गिलहरी को याद कर लेना, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी, समझे? कल सुबह मालेराव ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सेना के साथ निकलेगा। 6 घंटे में वो सीमा रेखा तक पहुंचने की दूरी तय करेगा। खबर पक्की है? खबर देने वाला पक्का है? भरोसा करें? 100%। कौन है वो खबरी? वो खबरी अहिल्या के वफादार सुरक्षा कर्मियों में से एक है, जिसकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती।
सुभाग सिंह चंद्रावत की मुख्य छावनी नीम भेड़ा में है और बाकी के दो गांव में उसकी ताकत नीम भेड़ा की तुलना में कम है। अब योजना सुनिए, हम लोग अपनी सेना को तीन हिस्सों में बांटेंगे। मालेराव सबसे बड़े हिस्से के साथ नीम भेड़ा पर आक्रमण करेगा, बाकी के दो हिस्से आप दोनों के साथ बाकी के क्षेत्र देखेंगे। आप दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इन दो गांव में से कोई भी सिपाही किसी भी हालत में चंद्रावत की मदद करने के लिए नीम भेड़ा ना पहुंच पाए। हमारे ये तीनों हिस्से नजरबाजों से जुड़े होंगे। अगर मालेराव को तुरंत नीति बदलने की जरूरत पड़ती है तो वो इन नजरबाजों की मदद से आप तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ आप दोनों के लिए भी मालेराव को उस समय के हालात बताना संभव हो पाएगा। ध्यान रहे, हमारा पहला लक्ष्य है नीम भेड़ा। मुख्य युद्ध क्षेत्र है नीम भेड़ा। मालेराव अपनी सेना के साथ यहीं आक्रमण करेगा। पता है ना कि क्या करना है? बाकी दो गांव में हमें दुकोजी और यशवंत को उलझा कर रखना है। इस युद्ध में खेल होगा भ्रम का। उन्हें भ्रम है कि वो हमारी सेना को रोक रहे हैं, किंतु हम उन्हें मालेराव की मदद करने से रोकेंगे। लेकिन मालेराव से संभल के रहिएगा, वो थोड़ा जल्दबाज और बहुत उतावला हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं। कभी 100 पर भारी तो कभी 200 पर। मालेराव वो चींटी है जो हाथी को भी मात देते। कोई बात नहीं, इससे पहले कि वो बल का प्रयोग करे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। पहले उसके दिमाग पर हमला करेंगे और फिर उसके शरीर पर। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उस चूहे के लिए हमने कितनी बड़ी चूहेदानी तैयार की है। ध्यान कक्ष से तो वो बच गया, मृत्यु के जीवन कक्ष से कैसा बचेगा? मृत्यु के जीवित कक्ष में तुम्हारा स्वागत है मालेराव। खंबागढ़ी सरकार कल सुबह तड़के अहिल्या की सेना तीनों तरफा से वार करेंगी। चंद्रवत जी, अब आपकी अगली योजना क्या है? योजना शब्द का अंत ना से होता है, मतलब कि किसी को ना पता चले कि योजना क्या है। हाँ तो ना बताइए, हम तो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि तीनों बहुत ही वीर पराक्रमी और विशुद्ध योद्धा हैं। तीनों को हराना संभवतः टेढ़ी खीर। हमारा मतलब है
तिगुनी टेढ़ी की। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।